नौगांव सादात थाना पुलिस द्वारा दवा कारोबारी की लूट का हुआ खुलासा। यूपी के अमरोहा जनपद के नौगांव सादात थाना पुलिस ने दवा कारोबारी के सेल्समैन से लूट के 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 7 तमंचे, 2 कारतूस और 1 चाकू बरामद हुए हैं। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगांव सादात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अमरोहा मार्ग पर स्थित कताई मिल के पास बीती 3 अगस्त की रात को बाइक सवार बदमाशों ने अमरोहा नगर के दवा कारोबारी प्रवीण कुमार माहेश्वरी के मुंशी दिनेश कुमार और कार चालक रमेश से हथियारों के बल पर दुकानदारों से उगाकर लाई जा रही रकम लूट ली थी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। पीड़ित व्यापारी प्रवीण कुमार माहेश्वरी ने लूट की सूचना नौगांव सादात थाना में दर्ज कराई थी, जिसके बाद नौगांव सादात थाना पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की छानबीन शुरू की और बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई थी। इस दौरान नौगांव सदर थाना पुलिस को सफलता मिली और नौगांव सादात थाना पुलिस ने दवा कारोबारी के मुंशी से लूट का खुलासा करते हुए 5 बदमाश गिरफ्तार किए, जिनके कब्जे से 7 तमंचे, 2 कारतूस और 1 चाकू बरामद हुए हैं। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया। जी सर बताइए। इसी दौरान 3 मोटरसाइकिलों पर करीब 7 बदमाश आए, उनको रोका गया। 1 मोटरसाइकिल भाग गई, 2 मोटरसाइकिलें और 5 बदमाश पकड़े गए। उन्होंने एक लूट की घटना हुई थी जो कताई मिल के पास, उसको स्वीकार किया और उनकी निशानदेही पर 25,000 रुपया लूटी गए, आधार कार्ड, 25,000 का बिल, 3 तमंचे, कारतूस, आधार कार्ड तथा अन्य अभिलेख बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी करके इन्हें जेल भेजा जा रहा है। सर क्या है, बाहर की भी हैं सर या सारे अमरोहा के हैं? ये सभी अमरोहा नगर के हैं।